हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट मम्मा। आज हम जाएंगे वाटरफॉल देखने। ये वाटरफॉल रत्नागिरी कोंकण में है। रत्नागिरी से आप जयगढ़ के रास्ते निकलोगे तो आपको बहुत सारे वाटरफॉल मिल जाएंगे। इनके पानी का बहाव ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये सेफ है। तो चलो हम चलते हैं। ये हम उंडी बीच के पास पहुंच चुके हैं। हम जयगढ़ से उंडी बीच के रास्ते जा रहे हैं। तो ये है उंडी बीच और हम आ गए हैं वाटरफॉल। आपको देख रहा होगा अभी बारिश थोड़ा कम है इसलिए पानी कम है, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। शांत है आजू बाजू और यहाँ पे सेफ है। ग्रीनरी भी देखो, पानी देखो। और ऐसे आजू बाजू 3 से 4 वाटरफॉल्स हैं और इतना क्लीन पानी है। तो चलो और आपको आगे भी दिखा दूँ। ये रास्ता है रत्नागिरी का और इस साइड है समुंदर और इस साइड है सारे वाटरफॉल्स। देखो पहाड़ के ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है, नेचुरल पानी है एकदम और बहुत ही सुंदर लग रहा था। पता नहीं कैमरा में आपको किस कैसे दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही सुंदर है। आजू बाजू गांव भी है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा, लेकिन बस इतना ही याद रखिए, कभी भी ऐसी जगह पे घूमने आओ तो कूड़ा कचरा यहाँ पर नहीं डालना है। जो भी कूड़ा कचरा होगा वो आपके साथ लेके जाना। ये बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसे कहा जाता है कि रत्नागिरी महाराष्ट्र का सबसे क्लीन सिटी है और वो सबसे सुंदर सिटी है। ये सेकंड है वाटरफॉल, उससे आगे थोड़ा सा। बहुत ही सुंदर जब ये पानी बहता है, इसका जो आवाज़ है ना बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है सुनने के लिए। आजू बाजू कोई नहीं है, बच्चे पानी खेल रहे थे। हम जब गए थे बहुत खुश और बहुत मस्त लग रहा था यहाँ पे। जिसको भी फ़ोटो शूट करने का शौक़ हो, फोटो खींचने का शौक़ हो, वो लोग यहाँ पे अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पत्थर, वो पत्थर के ऊपर वो ग्रीन ग्रास, ये बहता हुआ पानी, ये बहुत सुंदर। देखो ये थर्ड नंबर का वाटरफॉल है, देखो कितना सुंदर है। अगर ज़्यादा पानी होता है तो आपको बच्चों को संभालना होता है। अगर बच्चों और फैमिली के साथ आते हो तो बच्चों को संभालने का बहुत टेंशन होता है, तो इस जगह पे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो पहाड़ और ये है फोर्थ वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। पहाड़ और वाटरफॉल सेफ भी है और सुंदर भी है। तो जो भी फोटो खिंचवाना चाहता है यहाँ पे घूमने आ सकता है। तो चलो आगे चलते हैं। पहाड़ तो देखो कितनी सुंदर है। तो ये है वो रास्ता जहाँ से आप रत्नागिरी से उंडी बीच की तरफ आओगे। तो यहाँ पे आना कैसा है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। तो ये देखो एक साइड पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर सारे वाटरफॉल्स है और इस साइड सारे समुंदर है, बीचेस हैं और वो दोनों भी सेफ है। तो ये देखो उंडी बीच, उंडी बीच के एकदम 5 मिनट के डिस्टेंस पे है ये सब। तो ये उंडी बीच के सामने वाला नज़ारा पूरा ग्रीन है, यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप घूमने आते हो तो मैं बार बार एक ही बात बताऊँगी कि आप जो भी कूड़ा कचरा करोगे वो यहाँ पे बिल्कुल भी मत फैलाओ। बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत ही सुंदर जगह है। आप यहाँ पे कपल्स, फैमिली,
घूमने आते हैं, अच्छे से यहाँ पे बैठ सकते हो, समुंदर का आवाज़ सुनते हैं, बच्चे पानी खेलते हैं। यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं होती है, इसका वीडियो मैं लास्ट में लगा दूंगी। और ये बीच सबसे सेफ है, अगर आप दूर तक आप इसके अंदर चलते हुए जाओगे तो डीप नहीं है, फ्लैट बीच है यहाँ पे, तो इसे फ्लैट बीच भी कहा जाता है। देखिए बहुत ही सुंदर है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना के रखी है, वो भी आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए ये कलर चेंज लग रहा होगा आपको समुंदर का, क्योंकि इस टाइम पे समुंदर की लहरें बहुत ही ज़्यादा तेज चलती है, इसलिए उसका कलर चेंज हो जाता है, नहीं तो ये समुंदर पूरा ब्लू कलर का दिखता है। तो चलो आगे चलते हैं, और मैं इस बीच पे फिर से क्यों लाई हूँ वो दिखाने के लिए आई हूँ, चलो वो देखते हैं। ये बीच पोल्यूशन फ्री है, तो यहाँ पे देखो इतने सुंदर सुंदर शंख और शिंपले मिल जाते हैं, मतलब शेल्स मिल जाती है, देखिए बहुत ही सुंदर है, कलर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इस तरह से बांध के रखा है बैठने के लिए जगह, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, पैर फिसलने का थोड़ा डर है। यहाँ पे बैठ के आप समुंदर की लहर का मज़ा ले सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है। और बारिश के दिनों में देखो उंडी बीच पे भी एक मीठे पानी का झरना बहता है, ये भी इसे भी वाटरफॉल ही कह लो, बहुत ही सुंदर है और ट्रांसपेरेंट पानी है एकदम, और जितना भी अंदर जाओगे एकदम ट्रांसपेरेंट पानी है, नीचे के पत्थर आपको एकदम क्लियरली दिखेंगे। और व्यू तो देखो कितना गजब व्यू है, अरे बाप रे, फोटोग्राफर तो आएगा तो फोटो निकालते ही रहते जाएगा, यहाँ पे बहुत ही सुंदर फोटो आप निकाल सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है। कभी रत्नागिरी या कोंकण घूमने का प्लान करोगे तो इस जगह पे विज़िट ज़रूर करना। देखिए मैं आपको पानी की क्लैरिटी दिखा रही थी कि कितना, मतलब पानी का कलर, ये देखो पत्थर कितना सुंदर कलर है, ये है ब्यूटी कोंकण की। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पत्थर उठा के दिखा रही हूँ, पानी देखो, क्लैरिटी देखो, और ये पत्थर देखो कितना सुंदर है, और बिल्कुल भी गंदगी नहीं, बच्चे यहाँ पे एकदम सेफली खेल सकते हैं। देखो मेरे, मैं आपको दिखा रही थी, तो ये कुछ जगह है कोंकण में आपको घूमने के लिए, बहुत ही सुंदर जगह है देखो। और आपको ये जगह कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर कोंकण प्लान करते हो आने के लिए तो इस जगह पे विज़िट ज़रूर करना, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर तो पक्का करना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।